नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं श्वेता। किरनापुर के आश्रित ग्राम हेटी में पीने के पानी की दरकार। जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम कनेरी हेटी में लगभग 30 परिवारों के लिए राष्ट्रीय जल मिशन के तहत सौर प्रणाली से चलने वाली जल वितरण व्यवस्था की गई है, जो कुछ दिनों तक सही चली। रखरखाव के अभाव में पाइपलाइन चोक होने के कारण एक परिवार के अलावा अन्य परिवारों को पानी मिलना दुर्लभ हो गया है। जिसके घर के सामने यह सिस्टम लगाया गया है, उस व्यक्ति के द्वारा बंद चालू करने का सिस्टम अपने घर के अंदर लगा दिया गया है, जिसके कारण अन्य लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। मीडिया से बात करते हुए पानी से वंचित परिवारों ने बताया कि कुछ दिन पहले सौर प्रणाली से संचालित नल जल योजना का पानी सभी को मिल रहा था, पर जिसके घर के सामने यह सिस्टम लगाया गया है, उस व्यक्ति के द्वारा बंद चालू सिस्टम अपने घर के दरवाजे के अंदर कर लिया गया है, जिसके कारण उस व्यक्ति के अलावा अन्य लोगों को पीने का पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इस संबंध में जल मिशन के उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया था, पर कोई कार्यवाही नहीं की। प्रमुख ग्रामीण हकीम खान, दिनेश बोपचे, राजेंद्र उके, नरेंद्र मिश्रा, कलाबाई चित्रेव, सुरेश खोबरागड़े, नीलज सिरसाज, मूलचंद बागड़े, लाल त्रिपाचे, गीताबाई सेंद्रे, सेवंता बाई उके, कलाबाई उके, ललिता सरवारे, बारेलाल आदि ग्रामीण अपनी समस्या से मीडिया को अवगत कराया गया और त्वरित कार्रवाई कर सौर प्रणाली से संचालित नल जल योजना का पानी उनके घरों तक पहुंचाने की अपील की गई है। एमपीसीटी 24 न्यूज एक्सप्रेस किरनापुर से कैमरामैन विकेश मिश्राम के साथ रिपोर्टर मंजीत भिमटे की रिपोर्ट। अपना परिचय बताइए। जी, मैं नीला सिरसाज बोल रही हूँ, कनेरी हेटी से। जी, क्या समस्या है? जी, पानी का। पानी नहीं मिल रहा है? नहीं, पानी नहीं मिल रहा है। मतलब घर पे कुआं है, हम अभी तक कुआं से यूज किए पानी, लेकिन मतलब हमारे बाजू में सौर ऊर्जा का साधन है, लेकिन हमको वहाँ से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हम पानी के लिए जाते हैं तो वहाँ से वो लोग बटन बंद कर देते हैं, या तो फिर हमको कुछ गलत शब्द बोल देते हैं। तो ये क्या सौर पैनल उनका लगाया हुआ है? निजी नहीं, सरकार द्वारा लगाया गया है। तो पाइपलाइन भी तो डली होगी ना? डली है, लेकिन पानी में लोग ज़्यादा नहीं देते, बाल्टी देते हैं बस। फिर हम अपने से लेने आते हैं पानी, तो उसमें भी वो लोग रोक टोक करते। तो आप एक बात बोल रहे थे कि स्विच जो पहले बाहर लगा हुआ था, अब अंदर हो गया है, तो ये किसने किया है? क्या सरकार के किसी कर्मचारी ने आके किया? मतलब जिसके घर के सामने पे लगा है, उन्हीं ने किया। उन्होंने अपने घर में अंदर कर दिया? हाँ, तो वो बंद चालू आप दूसरे लोगों को नहीं करने? नहीं करने देते। हम लोग कल पानी के लिए आने, हमसे ये बोले कि मतलब हम लोग बाहर गए थे, बच्चे लोग के साथ आए थे, तो उनने तो सबसे पहले आके हमसे ये बोले कि तुम लोग बोले तुमको बात करना है, बोले तो अपना फैमिली हमारे बच्चे इस टाइप से बोले। उसके बाद में हम लोग कुछ नहीं बोले उनसे। हमें सबसे पहली चीज़ तो पानी की समस्या है। आपका नाम क्या है? दिनेश बोपचे। कहाँ रहते हैं? किरनापुर हेटी टोला। हेटी टोला, क्या समस्या है? पानी की समस्या है। हमें क्या है, इस लाइन में जितने भी मकान हैं, यहाँ पे किसी को भी पानी की सुविधाएं नहीं है। और ये तो दो माह ऐसे है कि पूछू ही मत, भारी दिक्कत हो रही है, भारी आपत्ति वाली बात है। इसमें पानी की समस्या बहुत सारी है, जिस कारण से हमें पानी की आवश्यकता। कब से नहीं मिल रहा है पानी आपको? ये तो लगभग पहले क्या है, कुआएं थी, वजह से हम लोग यूज़ कर लिया करते थे पानी। आज की समस्या ये हो गई कि कुआं भी हट गई, और कुएं की हटने से हमें अब पानी की आपत्ति हो गई। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो सौर पैनल से जो पानी टंकी लगी है, पानी टंकी भरती है, और उस पानी से वहाँ का पानी आप लोगों को नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा है ना। क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो वहाँ पर ऐसा है कि हम लोग तो कभी गए ही नहीं वहाँ। लाइन वगैरह डली की नहीं? लाइन डली हुई है, बट वही एक दो मकानों के लिए ही वहाँ पे पानी की व्यवस्था है। सिर्फ एक दो मकानों को ही पानी बस मिलता बस है। बाकी लोगों को नहीं हो पा। जी, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हकीम खान है, मैं किरनापुर का निवासी हूँ।
खीरी रोड पर पावर हाउस के सामने हमारा मकान था। यहाँ पर तकरीबन इसी साल में किरणा का 20 लोग ऐसे हैं जो किरणापुर की मतदाता सूची में है, जिन लोगों की लगभग। अच्छा, इस हेटी टोला की आबादी कितनी है, कुल कितने मकान हैं, कितनी आबादी है? में तो तकरीबन 200 मकान होने चाहिए। अच्छा, पूरे इसमें अब अंदाज तो है 200 मकान होंगे, लेकिन इस चाल में, इस चाल के अलावा पीछे की चाल में सरकार की जो योजना चल रही है नल जल घर नल जल योजना, उसका लाभ इस लाइन वालों को नहीं मिला है। नहीं, और इसी बाबत हमारी भी आपसे समस्या, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारी बात सरकार तक पहुँचे, सरकार उसका निराकरण जल्दी से जल्दी करे, क्योंकि अभी जो मई का और जून का ये वक्त गंभीर है। सभी जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, घर से निकलना मुश्किल है, तो पानी के हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। लोगों के घरों में जो सोर्स थे पानी के, कुएं जैसे जिसका बोर था, वो सारे ये जो सौर पैनल से मतलब टंकी भरती है जी, है ना, ये इस टंकी का पानी मिल पा रहा है कि नहीं आप लोगों को? नहीं सर, इसका हमको कोई लाभ नहीं मिला, बस वही अगर इमरजेंसी में कभी जाएं तो वहाँ पर डंडा मारें और पानी ले आएँ। अच्छा, हैंडपम्प है ये, फिलहाल इतना सपोर्ट है उससे। आपके घर तक के पानी पहुँच नहीं रहा? नहीं पहुँच रहा। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार ने जो श्रीमान मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने खुद किरणापुर आकर के ये घोषणा की, और किरणापुर आने के बाद में भी उनकी कदम इस धरती पर आने के बाद में भी हमको लाभ से वंचित है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।